नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वक्त की एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है मुंबई के कांदिवली इलाके से। बता दें आपको, कांदिवली में एक ऐसी घटना निकल कर सामने आई जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे। बता दें आपको कि पुणे में रहने वाली एक शादीशुदा महिला का एक व्यक्ति के साथ अफेयर शुरू हो गया, जिसका पति को पता चलने के बाद वह अपने बच्चों को लेकर मुंबई यानी कांदिवली आ गए। जी हाँ, उसके बाद जो उसका सिरफिरा प्रेमी था उसने चाकू से उसकी गला काट कर हत्या कर दी और इसके बाद गुरुवार को कांदिवली में ही खुद अपनी गर्दन पर चाकू मारने कर अपनी जान देने की कोशिश की। बता दें आरोपी प्रेमी बाबूराव मोरे गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन कुरार पुलिस में उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस घटना ने सनसनी फैला दी है। कांदिवली के दामोनगर इलाके में रहने वाली 40 वर्षीय विवाहित महिला द्वारा दर्ज की गई पुलिस शिकायत के अनुसार 29 वर्षीय मृत महिला उसकी छोटी बहन थी, यानी कि महिला की बड़ी बहन ने इस मामले को प्रकाश में लाया कि उसकी छोटी बहन जो अपने में अपने पति के साथ रहती थी, पड़ोस में ही रहने वाले मोरे के साथ उसका जो है संबंध बन गया, जिसकी वजह से उसका सिर्फ आशिक जैसे ही उसकी बीवी यानी कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी अपने पति के साथ मुंबई आई तो वह वहां पर आकर उसकी हत्या करती। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती जो झकझोर देती हैं लोगों को।